सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं गुरजीत, आप देख रहे हो अपना प्यारा चैनल मिस्टर सिंह को। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक हैवी ट्रक ड्राइवर से। बहुत से कमेंट्स आए थे जिसमें पूछा गया था कि किसी हैवी ड्राइवर का इंटरव्यू लिया जाए, किस तरीके से वो इंडिया से आए हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, एयरपोर्ट पर किस तरह वो पहुँचे हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको कितनी सैलरी लगी है और उनका काम क्या है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो नए लोग जो इधर आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो आइए चलते हैं। दोस्तों हमारे साथ है पंजाब समराड़ा के नवदीप सिंह जी, जिनको यहाँ 3 साल हो गए। हम वेलकम करते हैं नवदीप जी का। नवदीप जी, आप हमको ये बताएं कि आपने किस तरीके सोचा कि सऊदी अरब जाना चाहिए। इंडिया तो आने लगे काम नहीं सी उत्थे, उत्थे सैलरी नहीं मिलनी हैगी आप, फिर सऊदी का मैं वीजा लगवाया। आपको एजेंट ने बताया कि सऊदी अरब का वीजा है, तो आपको सऊदी अरब का नाम सुन के कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत खतरनाक रूल है या किसी ने आपको बताया कि उधर मत जाओ, ऐसा कुछ हुआ था? आदमी बोलते हैं सऊदी अरब में कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत पाबंदी है उधर, पर इधर आने के बाद मेरे को पता चला भी इतना नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में चलोगे तो आपको कुछ नहीं। सऊदी अरब में कैसे हैं, एजेंट के थ्रू आए हैं या किस तरीके से? एजेंट के थ्रू आए हैं, एजेंट ने वीजा लिया, हमारी इंटरव्यू हुई और ट्राई ली उसने मेरी, उसके बाद फिर मेरे को वीजा चंडीगढ़ के में दिया, फिर मैं इधर आया बॉम्बे। अच्छा, तो यानी कि आप एजेंट के थ्रू आए, तो कितना पैसा लग जाता है? मेरा लग गया था तकरीबन 1,10,000। उधर से आए तो एजेंट ने कुछ ऐसा बोला था कि वहाँ से आपको कंपनी रिसीव करेगी या कोई फोन नंबर वगैरह दिया था? जी दिया था, उसने बोला आप जैसे सऊदी अरब एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो आपको रिसीव करने के लिए कंपनी का आदमी आएगा। हम 8-10 बंदे थे, तो बोले रोगी ट्रांसपोर्ट है। अच्छा। हमने बोला हाँ जी, बोला चलो हमारे साथ चलो, पर हम पक्का श्योर करके भी हाँ वही बंदा है, तब हम उसके साथ गए। जब भी सऊदी अरब में उतरो तो पक्का श्योर कर लेना भी हाँ रिसीव करने वाला बंदा वही है, हमारी कंपनी का ही। तो उसके बाद आपकी सैलरी कब से स्टार्ट हुई? सैलरी जब हम इधर लैंड होते हैं ना, उस दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। लेकिन आप ड्राइवरी में आए हो, ड्राइवरी में आपके पास इंडिया का हैवी लाइसेंस था? जी बिल्कुल था, उसके बिना तो ये नहीं आने देते। लाइसेंस बनाना है भी तो वो साथ में जरूर चलेगा, ठीक है, उसके बगैर ये एकदम लाइसेंस नहीं बनेगा। एजेंट के पास गए थे, उसने बताया आपने सऊदी अरब जाना है, तो आपकी कुछ इंटरव्यू वगैरह भी हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी, उसने बकायदा हमारी इंटरव्यू हुई, ट्राई ली उन्होंने, देखा चलवा के भी गाड़ी बड़ा हैवी ट्रक दिया उन्होंने, भी ये चलाया भी हुआ या नहीं चलाया। जो आदमी बोलता है मैंने ड्राइवरी में जाना है ना, तो एक बार उधर जिसको नहीं चलानी आती उसको कम से कम 1-1.5 महीना उसकी ट्राई लेनी चाहिए और फिर इधर आना चाहिए। सऊदी अरब में जाते हैं ट्रेले चलते हैं, अगर आपके पास ट्रेलर नहीं है तो आप ट्रैक्टर ट्राली रिवर्स भी कर सकते हैं। जी, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो आपने इंटरव्यू दिया, आपका वीजा लग गया, वीजा कितने टाइम में लग गया था? वीजा तकरीबन मेरा आ गया था 1-1.5 महीने के भीतर आ गया था। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद भी मेडिकल होता है, जैसे आपने वीजा लेने से पहले मेडिकल कराया था? जी जी बिल्कुल, जैसे आप इधर आओगे कंपनी का लेके जाएगा काफिल, मेडिकल होगा, उसके बाद फिर वो इधर इकामा बनता है, उसे इकामा बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है वो। जी जी, इकामा होता है आपके आईडी, जैसे आपका जो वीजा लगता है वो 90 दिन का वीजा लगता है, वो वीजा सिर्फ इधर सऊदी अरब में पहुंचने के लिए होता है, उसके बाद जो आपका वीजा होता है वो आपका इकामा ही होता है, वो हर साल रिन्यू होता है, वो एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद आपको इधर कोई गाड़ी मिली थी, क्योंकि इधर तो दूसरी तरफ स्टेटिंग है, इंडिया में दूसरी तरफ है तो बहुत मुश्किल होती है, कोई ट्राई के लिए गाड़ी या पुराने ड्राइवर के साथ भेजा था? जी जी बिल्कुल, जो आदमी इंडिया से फ्रेश आदमी आते हैं ना, उसको पहले वो 1-2 महीने के लिए चलाने के लिए गाड़ी देते हैं, तो बोलते हैं भी 1-2 महीने लगाओ, हाथ सीधा हो जाएगा तो फिर देते हैं गाड़ी चलाने के। जी जी। दूसरी बात, इधर जब तक आपका लाइसेंस ना बने आप गाड़ी मत पकड़ना। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि आपका लाइसेंस बनने में इकामा 1-1.5 महीने में बनेगा, 2-3 महीने आपका लाइसेंस बनने में लगेगा, और जब तक लाइसेंस ना बने आप गाड़ी मत चलाएं, क्योंकि बिना लाइसेंस के अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी कहीं लग जाए या कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो एक तरह का गुनाह माना जाता है। तो आपका लाइसेंस कितने महीने में बन गया था? दूसरे 2.5 महीने में बन के आ गया था मेरा, उसमें सब कुछ होता है, ट्राई होती है, मेडिकल होता है, आँखों का टेस्ट होता है, सब प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर होता है,
सब कुछ होता है। तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी कितनी लगी थी? सैलरी 1200 फ्रेश आदमी की 1200 सैलरी लगती है, कहीं कहीं 1500 होती है, अपने अपने हिसाब से होती है। कई लोग ऐसे कहते हैं यार सऊदी अरब में नहीं जाना है, उधर सैलरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। आपकी कंपनी में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं जी नहीं, बिल्कुल हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारा कपिल बड़ा अच्छा है और मालिक बहुत अच्छा है। टाइम टू टाइम सैलरी आती है, टाइम टू टाइम ट्रिप के पैसे आते हैं, हमें कभी भी टेंशन नहीं हुआ। अच्छा, आपने अभी ट्रिप की बात की, आपकी 1200 तो सैलरी है, ये ट्रिप क्या सिस्टम होता है और ये किसको मिलता है, किस ड्राइवर को मिलता है? देखिए जैसे आदमी इधर गाड़ी चलाता है ना, तो आपको सैलरी तो वो लगा मिलती है। जैसे एक ट्रिप लगा दिया आपने, दो लगा दिए, तीन लगा दिए, उसके आपको लगा पैसे मिलते हैं। उसका हिसाब होता है कोई ट्रिप 50 रियाल का है, कोई 70 रियाल का है, कोई 30 रियाल का है, कोई 15 रियाल का है, वो लगा रेट होते हैं उनके। तो उसमें से आपको ज़्यादा पैसे बनते हैं। जैसे हमने एक दिन में 2 ट्रिप लगा दिए, 3 लगा दिए, तो उसका आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा बन गया। तो ऐसे ऐसे करते करते आपके पैसे बनते हैं। अगर आपकी 1200 सैलरी है तो आप ट्रिप जो मिलता है महीने में सैलरी जितनी इनकम और कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप काम करोगे आपके पैसे उतने ही ज़्यादा बनते जाएंगे। अरे आपको भी कितना टाइम हो गया इधर सऊदी अरब में इस कंपनी में? मेरे को तकरीबन 4 साल हो गया है, कभी भी मेरे को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी मेरे को सैलरी की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी ट्रिप के पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर कंपनी है, बस इधर रहना, कानून के दायरे में रह के चलो। जब आप इधर आए थे आपके पास कुछ पैसे थे या नहीं थे? आपने जैसे हम लोग इंडिया में नहीं, इधर आते हैं ना सऊदी में, तो आप सऊदी के पैसे 200-300 रियाल लेके उधर से आना। कई बार क्या होता है कि कंपनी नहीं लेने आ पाती है, घंटा 2 घंटा लेट हो जाए, कुछ हो जाए, अगर आपने कुछ खाना पीना है तो हाँ। तो सऊदी रियाल में ही खाएंगे ना, या आपको टैक्सी करके कंपनी में ही आना पड़ जाए, तो आपके पास 100-200 रियाल होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कंपनी में आ जाएंगे तो आपको वो कंपनी वाले आपको खर्चे के लिए पैसे देंगे, जरूर देंगे। आपकी सैलरी 1200 रियाल लगी है, उसके बाद सैलरी बढ़ती भी है? जी बिल्कुल बढ़ती है, जैसे जैसे आप काम करके दिखाएंगे कंपनी वालों को। मेरी सैलरी 1500 रियाल होगी, पहले जब मैं 1200 में थी। जैसे आपको इधर 3-4 साल हो गए हैं काम करते हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे इंडिया में ड्राइवर को पुलिस या आरटीओ वाले परेशान करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, जिसके पास लाइसेंस ना हो गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो वो आपको जुर्माना जरूर करेंगे। जैसे इधर रोड पे चलते हैं ना, कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पे, अपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, अपने हेडफोन लगा के बात कर रहे हो तो रोड पे चलते हुए अपने नहीं ध्यान दिया तो वो कैमरा मार देता है। जब भी आप ड्राइवरी करना है तो पहले सीट बेल्ट लगाना, और कभी भी जल्दबाजी में आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइट क्रॉस कर दिया ना तो आपका 3 से लेके 5000 रियाल तक का जुर्माना होता है। ऐसे हमारे इंडिया में कई बार गाड़ी लगती है ना, तो इधर सऊदी में आपसे गाड़ी लग गया उधर ही रहना, आपने भागना नहीं है, उधर ही खड़े हो जाओ, अब कॉल करो शुरते को, वो आएगा, किसकी गलती है किसकी नहीं है तो फिर वो आपको लिस्ट दे देगा, बाद में आप अपनी कंपनी में जाके दे दो। दोस्तों यहाँ पे रूल देखो कितने अच्छे हैं, इंडिया में अगर गाड़ी लग जाए तो पुलिस, पहले तो पुलिस को कोई बुलाता नहीं, आपस में मारपीट करने लग जाते हैं, उसके बाद पुलिस वाले आते हैं तो दोनों गाड़ियाँ जब यहाँ पे आसानी से फोटो खींचते हैं और उसके बाद पर्ची दे देते हैं दोनों को कितनी कितनी गलती है और उसको घर भेज देते हैं, आप अपना काम कीजिए, बहुत ही अच्छे रूल हैं इधर। तो दोस्तों कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग सबका आपको जवाब मिल ही गया होगा, अगर फिर भी नहीं मिल पाया तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करें, हम किसी और ड्राइवर के साथ इंटरव्यू करेंगे तो उसमें आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो अभी लास्ट में जाते समय जो नए लोग इधर सऊदी अरब आना चाहते हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा, इधर आने से पहले, आप सऊदी अरब में आने से पहले एक बार आप कन्फर्म कर लेना कि हाँ आप किस कंपनी में आ रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, उस सैलरी दे रही है या नहीं दे रही है, उसमें कितनी गाड़ियाँ हैं, उसका काम कैसा है, फर्म करके फिर इधर आए। एंट ने बोल दिया अभी हाँ चले जाओ, और बाद में इधर आके आप देखो भी आपको कहा कुछ गया और गया, अब निकला कुछ और। आपको कोई एजेंट कंपनी बताता है उसको नेट के ऊपर जरूर चेक करें। हाँ। मैंने एक वीडियो इसी के ऊपर बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस आई बटन को दबाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मिलते हैं अगली गजब वीडियो के लिए, तब तक। हाँ।